हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं दही चिकन ग्रेवी। दिखाते हैं मसाले में क्या क्या है और मेरे साथ बनाइए और खाइए, कमेंट जरूर बताइए। दही ग्रेवी बनाने के लिए हमारे पास है प्याज। ये प्याज हम चिप्स वाली मशीन से इस तरह हम लच्छा बना लिए हैं। और हमारे पास है 300 ग्राम दही और अदरक लहसुन का पेस्ट और कुछ खड़े मसाले हमारे पास हैं, जैसे कि जावित्री, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दो तेज़पात और पांच छः लौंग और ये है अपनी दालचीनी लकड़ी, काली मिर्च, जीरा और ये थोड़ा सा हम लिए हैं अजवाइन, थोड़ा सा हमारे पास अजवाइन है और थोड़ा सा ये क्रश करके हम लिए हैं, इसको एकदम बारीक बारीक काट लिए हैं, तोड़ लिए हैं, इसको बोलते हैं जायफर। ये थोड़ा सा एकदम इस तरह पाउडर टाइप का बना लिए हैं, ये जायफर है। ये खड़े मसाले इतना लिए हैं हम, इसको रखते हैं साइड में और पिसे मसाले में दिखाते हैं। कश्मीरी मिर्च है ये, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा लिए हैं हम अपना ये चिकन मसाला और एक केजी हमारा चिकन है जो धुल के साफ करके रख लिए हैं। अब हम चिकन में डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये जो वो पीसे मसाले दिखाए थे ये डालेंगे सब हम। इसमें जाएगा दही, अब दही डालने के बाद सारे मसाले को बढ़िया से मिला लेते हैं। दही और अदरक लहसुन का पेस्ट और अपना जो पिसा हुआ मसाला था इसको बढ़िया से मिला करके छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए, तब तक हम अपना प्याज को ब्राउन करेंगे। चिकन जब तक हमारा सेट हो रहा है ढक के रख देते हैं जब तक हम प्याज को ब्राउन कर लेते हैं। भगोला चढ़ा दिए हैं हम गैस पे और इसमें डाल देंगे सरसों का तेल। और तेल में कंजूसी नहीं, ताकि तेल डालना है बराबर। देखिए कितना तेल डाले हैं, करीब हम 250 ग्राम तेल डाले हैं, इतना तेल डालना पड़ेगा आपको। तेल हमारा एकदम धुआं छोड़ रहा है, इसमें डालेंगे तेज़पत्ता। अभी खड़ा मसाला नहीं डालेंगे हम, तेज़पत्ता डालेंगे। उसके बाद जो प्याज का लच्छा काटे थे इस तरह, इसको डालेंगे। इसको बढ़िया से ब्राउन करना है, प्याज के लच्छे को बढ़िया से ब्राउन करना है। अब तेल देख रहे हैं आप कितना डाले हैं हम, तेल में कंजूसी नहीं करना है, मज़ा नहीं आएगा फिर। अब हम तेज पत्ता को निकाल देंगे बाहर, तेज पत्ता काम खत्म हो गया। दोनों तेज पत्ता निकाल देंगे, तेज पत्ता भी नीचे है, ये आ गया दूसरा वाला, इसको भी निकाल देते हैं बाहर ताकि इसका फ्लेवर इसमें आ गया है। अब हमको तेज पत्ते कोई मतलब है नहीं, इसको बढ़िया से ब्राउन करेंगे प्याज को। अब हमारे सारे लच्छे प्याज जो है हल्का ब्राउन हो गया है, इसमें डालेंगे जो खड़ा मसाला हम दिखाए थे, सारे मसाले इसमें डाल देंगे। इसको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। हमारी प्याज वगैरह एकदम ब्राउन हो गई है, इसमें मसाला जो खड़ा डाले थे, खड़ा मसाला भी ब्राउन हो गया है। ये प्याज जो हम डाले थे ये ब्राउन हो गया है, जो खड़ा मसाला डाले थे ये भी भुन चुका है। और गैस कर देते हैं बंद, अब थोड़ा सा हमारा मसाला ठंडा हो जाए तब हम चिकन डालेंगे, नहीं दही हमारी फट जाएगी। गैस बंद कर दिए हैं, इसको छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए। ऐसे ही गैस बंद कर जो मसाला हमारा इसे इकट्ठा कर देते हैं। देखिए गैस एकदम हमारा बंद है, अभी बबल आ रहा है इसमें,
थोड़ा दो एक मिनट और वेट करेंगे, थोड़ा ठंडा हो जाए हमारा मसाला, फिर डालते हैं अपना चिकन। चिकन रेडी है जाने के लिए भगोले में। ठंडा हो गया, अब डालेंगे चिकन, सारा चिकन इसमें डाल देते हैं। इसमें पानी नहीं डालना है, सारा चिकन का जो मसाला था इसमें, दही मसाला सब इसमें डाल देते हैं। सारा दही मसाला इसमें जाना चाहिए ज़रूर, ताकि पूरा फ्लेवर इसी में है। कढ़ाई को बढ़िया से साफ करके और डाल देते हैं इसी में। तो थोड़ा इसमें अभी पानी डालेंगे, अब हम गैस को करते हैं ऑन। अब धीमी आंच पे इसको बढ़िया से भूजेंगे। देखिए धीमे धीमे आंच पे हम पका रहे हैं, बबल आ रहे हैं हल्का हल्का, इसको चला चला के बढ़िया से पकाना है। चिकन हमारा धीमे धीमे पक रहा है, इसको धीमी आंच पे पकाना है हल्का हल्का से, भूज भूज के इसको भूजते हैं प्रॉपर। ये देखिए देखिए कितना बढ़िया चिकन अपना पक रहा है, इसको धीमी आंच पे एकदम पकाना है, घुमा घुमा के बढ़िया से। इसमें डालेंगे हम हरी मिर्च, ये फाड़ के रखे थे, इसमें डालेंगे हरी मिर्च। इसको थोड़ा सा चलाते हैं, देख कितना बढ़िया हमारा चिकन पक रहा है, इसको हमेशा चलाना ही है, चला चला के पका देना है। इसमें जो हम पानी बचा के रखे थे ना धुल के कढ़ाई में, जो जिसमें मसाला बनाए थे, ये थोड़ा पानी हमारा बच गया था, इसमें पानी घोल के साफ करके ये पानी डाल देंगे इसमें हम। और इसमें कुछ नहीं डालना है, पानी नहीं पड़ना है। अब इसको धीम करके और चला करके इसे बस, अब इसमें जो है ढक्कन लगा के धीमी आंच में पकाना है।
इसको धीमी आंच में पकाना है। अब धीमी आंच पे इसको पकाना है करीब 15 मिनट, फिर दिखाते हैं आगे क्या निकला इसके अंदर। थोड़ा सा देखते हैं, एक बार चलाएंगे इसको हम चिकन को अपने। देखिए धीमी आंच पे पक रहा है, बढ़िया तरी आ रही है इसमें, ग्रेवी बढ़िया आ रही है। इसको थोड़ा चला देते हैं। फिर ढक देते हैं इसको हम। चिकन में डालते हैं स्वाद के हिसाब से नमक। नमक डाल के थोड़ा सा चला देते हैं। इसमें लगाते हैं ढक्कन, इसको जो है 5 मिनट और पकाएंगे। एक बार चेक करते हैं, हमारा एकदम पक्के रेडी हो गया है। ये देखो दही चिकन ग्रेवी हमारा एकदम पक्के रेडी हो गया है। ये अब गैस करते हैं बंद, चलते हैं करते हैं सब। खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। गैस करते हैं बंद, चलते हैं प्लेटिंग करने के लिए। आ गए हम प्लेटिंग करने के लिए। देखिए एकदम हमारा जो है दही चिकन ग्रेवी एकदम बन के रेडी हो गया है। साथ में हमारे पास फ्रेश हरी धनिया, अब इसको डालेंगे। करते हैं प्लेटिंग, कर लिए प्लेटिंग। देखिए कितना गर्म भी है, और सारी पीस में थोड़ा डालेंगे धनिया, फ्रेश धनिया। इसमें भी डालेंगे अब धनिया। हमारा चिकन एकदम रेडी है। कि हमारा चिकन है दही चिकन ग्रेवी हमारा एकदम रेडी है। आप देखिए इस तरह बनाइए, हमको कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।